सुरेश्वरम महेश्वरम गजेश्वरम गणेश्वरम महेश्वरम तमाश्रय परात्परम निरंतरम। नमस्कार, हम बनी हर्षिता और आप सबके बहुत बहुत स्वागत करते हैं ये अद्भुत शो में जेकर नाम बा प्रभु के द्वारा। और आज हमने के दर्शन कर जाए इंदौर में स्थित बड़े गणपति जी के मंदिर के। जैसन कि आपके पता बा कि आज बुधवार के दिन बा और आज के दिन भगवान गणेश जी के समर्पित होला। भगवान गणेश जी के ये प्रसिद्ध मंदिर संसार भर के श्रद्धालु खातिर एगो विशेष महत्व राखेला। काहे से कि जैसे नाम से स्पष्ट हो रहल बा यहाँ पर गणेश जी बहुत बड़ बाड़न, यानी यहाँ गणेश जी के बहुत विराट प्रतिमा स्थापित बा। ऐसा मानल जाला कि संसार भर में गणेश जी के इतना विशाल प्रतिमा सिर्फ यहीं पर स्थापित बा। वक्रतुंड महाकाल सूर्य कोटि सम प्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लगभग 25 फीट ऊंचा गणेश जी के ये प्रतिमा संसार भर में गणेश जी के सबसे ऊंचा प्रतिमा में से एक बा। गणेश जी के ये आकर्षक प्रतिमा लगभग 4 फीट ऊंचा चबूतरा पर विराजमान बा। संसार भर से गणेश जी के भव्य रूप के दर्शन करे खातिर श्रद्धालु लोग इंदौर आवेले। श्री गजानन नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। श्री गजानन नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। श्री गजानन नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। ये मंदिर के बारे में कहल जाला कि यहाँ पर जे भी श्रद्धालु लोग आवे ले और सच्चा मन से जो कुछ भी मांगे ले गणेश जी ओके जरूर देवे ले। गणेश जी के इधर से कबहू केहू भी भक्त निराश ना जाएला। गणेश जी अपन भक्तन के सुख और समृद्धि प्रदान करे ले। वैसे तो संसार भर में गणेश जी के अनेक भव्य मंदिर बा जहाँ गणेश जी के एक से बढ़कर एक आकर्षक प्रतिमा स्थापित बा। बाकी इंदौर के बड़ा गणपति जी के स्वरूप इतना आकर्षक बा कि जे भी भगवान गणेश के ये विराट रूप के दर्शन करेला ओकर आनंद के कोनो सीमा ना रहेला। वैसे ये मंदिर में स्थापित गणेश जी के ये भव्य प्रतिमा से जुड़ल कई गो रोचक तथ्य बा। बाकी ये कुल देखल जाए लेकिन आई ओकरा से पहले सुन लेहल जाओ ये मधुर गीत। गौरी नंदन गणेश महिमा भाया गम विशेष हे गौरी।
भगवान गणेश जी के श्रृंगार करे खातिर विशेष रूप से तैयारी कईल जाला। भगवान गणेश के श्रृंगार करे खातिर घी और सिंदूर के उपयोग कईल जाला। गणेश जी के सुंदर वस्त्र से भी श्रृंगार कईल जाला, यानी भगवान के विधवत रूप से सजावल जाला और इस श्रृंगार के बाद भगवान के रूप देखे लायक होला। विनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। तो आए रवा सभी भी और दर्शन करी भगवान श्री गणेश के ये विराट स्वरूप के। तब तक हम रुका तनी एगो छोटा सा अंतराल खाते। रवा कहीं मत जाई, देखत रही प्रभु के द्वारे। प्रभु के द्वारे। अल्प विराम के बाद आप सबके बहुत बहुत स्वागत बा हमने के एक खास कार्यक्रम प्रभु के द्वारे में। और आज हमने के दर्शन कर रहल बानी इंदौर के बड़े गणेश जी के, जिनकर प्रतिमा बहुत ही भव्य और विराट बा। भगवान गणेश जी के भव्य मंदिर के स्थापना से जुड़ल एगो बहुत ही रोचक किस्सा बा। ऐसन कहल जाला कि मंदिर के निर्माण के वजह एगो स्वप्न बा, यानी स्वप्न से ए मंदिर के बनावे के प्रेरणा मिलल रहे। कहल जाला कि आज से बहुत बरस पहले एगो बालक रहे जेकर उम्र 16 या 17 साल रहे। हर बालक के जैसन इहो बालक एगो साधारण बालक रहे,
जेकर नाम नारायण दधीची रहे और ये बालक के एगो नियम रहे जेकर वो रोज पालन करत रहे। नारायण दधीची भगवान गणेश के परम भक्त रहे। वो रोज कई मील के यात्रा करके गणेश जी के दर्शन करे खातिर जात रहे। नारायण दधीची के बस इहे एगो ख्वाब रहे कि वो भगवान गणेश के एगो मंदिर बनवा सके। भगवान गणेश जी नारायण दधीची के भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न रहले। नारायण दधीची रोज गणेश जी के दर्शन करे जात रहे और गणेश जी के विधिवत पूजा करत रहे। आंधी पानी कुछ भी पड़े, बाकी नारायण अपना दर्शन पूजन के कबहु ना रोकत रहे। भगवान गणेश नारायण दधीची के ये भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न भेले और उनका के स्वप्न में दर्शन दिखले। भगवान गणेश नारायण दधीची के अपना विशाल रूप के दर्शन करेले। नारायण दधीची के दर्शन देला के बाद भगवान गणेश जी अपना ये प्रिय भक्त से कहले कि वो उनकर एगो मंदिर के निर्माण करे और वहाँ पर विधिवत पूजन करके उनकर एगो विराट प्रतिमा के स्थापित करे। स्वप्न में तक गणेश जी नारायण दधीची के दर्शन दे के अंतर ध्यान हो गए ले। बाकी नारायण दधीची निद्रा से जाग गए ले। उनका आँख के नींद उड़ गए। वो बिहान होके के इंतजार करे लगले और जब बिहान भइल तो नारायण दधीची ए मंदिर के निर्माण में लग गए ले। नारायण दधीची भगवान गणपति के समर्पित ए मंदिर में गणपति जी के वही स्वरूप के स्थापित करे चाहत रहले जवन रूप के उस स्वप्न में दर्शन कैले रहले। यानी नारायण दधीची एगो विशाल प्रतिमा के निर्माण करे के प्रण कैले। इतना विशाल प्रतिमा के निर्माण करे के साथ ही नारायण दधीची कुछ अलग प्रकार के मूर्ति के निर्माण के बात भी सोच लें। एकरा खातिर नारायण दधीची कुल पवित्र नगरी के जल के एकत्रित कैले। चूना गुड़ रेत और मेथी दाना के भी ये मूर्ति के निर्माण में प्रयोग करे के विचार कैले। ये मूर्ति के बनावे खातिर लोहा अष्ट धातु और नवरत्न के भी उपयोग कैले। यानी भगवान गणेश के ये मूर्ति सबसे अलग और सबसे अद्भुत होके वाला रहे। जब कुल सामान इकट्ठा हो गए, सारी तैयारी हो गई, अब बस मूर्ति के बनावे के प्रक्रिया के शुरू करे के रहल। जैसे कि आपके पता बा कि हमने के हिंदू धर्म में एगो परंपरा बा कि कोनो भी कार्य के शुरुआत करे से पहले गणपति महाराज के नाम लेवे के चाहें, उनकर पूजन करे के चाहें और इता स्वयं गणपति जी के काम रहे, गणपति जी के स्थापना के काम रहे। तब भला ये काम के शुरुआत ऐसे कैसे हो सकत रहे। यही से यहाँ पर सबसे पहले एगो छोट से गणपति जी के स्थापित कैल गए और उनकर विधिवत पूजन अर्चन कैल गए। फिर ये विशाल गणपति के निर्माण के कलाकारी शुरू भइल। गणपति जी के विशाल बनावे के जौन सिलसिला शुरू भइल वो लगभग 3-3.5 साल तक चलत रहल। तो आई अब हमनी भी यही के साथे ये मधुर गीत के आनंद लिहल जाओ। वक्र तुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्व करेषु सर्वदा। सब हर लो दुख कलेश जी तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो त्रि गणेश जी तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो त्रि गणेश।
रिद्धि सिद्धि के स्वामी, तुम ही हो अंतर्यामी, सुबला पुत्र है तेरी, अगणित है तेरी कहानी। रिद्धि सिद्धि के स्वामी, तुम ही हो अंतर्यामी, सुबला पुत्र है तेरी, अगणित है तेरी कहानी। आंखों के तुम गोदारे गौरी और महेश की, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो श्री गणेश जी, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो श्री गणेश जी। गणपत देवा, कोई मोदक चढ़ावे चढ़ावे कोई मेवा, देव के तुम हो देवा, तुम ही हो गणपत देवा, कोई मोदक चढ़ावे चढ़ावे कोई मेवा। कलयुग के तुम हो देवा पप्पा त्रि गणेश जी, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो श्री गणेश जी, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो श्री गणेश जी। मुसक है तेरी सवारी, प्रथम पूजी नर नारी, तुम ही हो मंगल मूर्ति, तुम ही हो पालनहारी, मुसक है तेरी सवारी, प्रथम पूजी नर नारी। द्वार खड़ा निरंजन पूजे हर में स्थिति, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो श्री गणेश जी, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो श्री गणेश जी। पश्चात हम रुकतनी एगो छोटा सा विराम खातिर, रवा कहीं मत जाएं और देखत रहीं प्रभु के द्वारे। प्रभु के द्वारे। अल्प विराम के बाद आप सबके बहुत बहुत स्वागत बा हमने के एक खास कार्यक्रम प्रभु के द्वारे में। और आज हमने के दर्शन कर रहल बानी बड़े गणपति जी के मंदिर के। जब गणपति जी की विशालकाय प्रतिमा बन के तैयार भेल तो उनकरा के विधिवत रूप से स्थापित कर गई, और तब से आज तक ले ए विशाल गणपति के दर्शन करे खातिर दुनिया भर से श्रद्धालु लोग यहाँ पर आवेले। भगवान गणपति के समर्पित ए मंदिर से आज इंदौर की रौनक में चार चांद लाग गए बा। वैसे भी जहाँ पर गणपति रहेले वहाँ पर सुख और समृद्धि तो अपना आप ही आ जावेला। वैसे गणपति देवता के जब भी भक्त लोग दर्शन करेले तो उनका मन में
प्रभु के आकृति के देख के एगो विचार मन में आवेला कि आखिर गणपति जी के मुख हाथी के मुख के समान काहे बा, जबकि औरी के देवता के ऐसा ना बा, तयकर का वजह बा। तय वजह के जवाब कई गो रोचक प्रसंग से दिहल जा सकेला और कुल प्रसंग में से हम एगो प्रसंग यहाँ पर प्रस्तुत करतने। दरअसल जब माता पार्वती अपना शरीर के मैल से गणेश जी के रचना कैनी, तब गणेश जी के मुख और देवी देवता जैसन ही रहे। बाकी ऐसा मानल जाला कि भोलेनाथ के चलते गणेश जी के मुख हाथी जैसन हो गए। कहल जाला कि माता पार्वती द्वारा गणेश जी के रचना करे के बाद गणेश जी माता से पूछ ले कि उनकरा खातिर का आ गया बा। अब माता पार्वती के ओ वक्त ये ना बुझाए कि गणेश जी के कौन काम सौंपे। बहुत सोच विचार के बाद माता पार्वती गणेश जी के ई हुक्म देनी कि वो जाके बाहर दरवाजा पर खड़ा रहे और केहू के भी भीतर ना आवे दे। माता के आदेश मिले के बाद गणेश जी माता पार्वती के शयन कक्ष के बाहर मुस्तैदी से खड़ा हो गए ले। दूसरी तरफ वही समय देवता और दैत्य में भयंकर युद्ध होत रहे। तब कुल देवगण देवाधिदेव शिव से रक्षा के गुहार लगावे लगले। भगवान शिव देवगण के विनती के स्वीकार कैले और युद्ध में देवता लोगन के तरफ से कूद पड़ले। हालांकि महादेव खातिर देव और दानव दोनों प्रिय रहले, काहे से कि दानव भी महादेव के वही प्रकार से पूजत रहले जितना प्रकार से देव लोग शिव के आराधना करत रहले। पर युद्ध में देवगण प्रभु से पहले विनती कैले, यही से प्रभु देवगण के वचन दे देले कि उनकर ही साथ दी है और उनकरा तरफ से ही युद्ध करी है। अब जब स्वयं साक्षात शिव ही रणभूमि में आ गेले तो भला देवता लोग के विजय रथ के रोक सकत रहे, और भैल भी ऐसे ने। देखते ही देखते युद्ध के पासा पलट गए। देवता लोग जौन युद्ध के हार चुकल रहले वो युद्ध के देवता जीते लगले। कुछ समय बाद ही रणभूमि में देवता लोग के विजय पताका लहराए लागल। राक्षस मैदान छोड़ के भागे लगले और देवगण खुशी से झूमे लगले। सृष्टि पर मंडरात खतरा एक बार फिर महादेव की वजह से समाप्त हो गए। देवगण ए अवसर पर महादेव की वंदना करे लगले, प्रभु के धन्यवाद देवे खातिर गीत गावे लगले। अब जब देवगण गीत संगीत के आनंद ले रहल बाड़न तो हमनियों के गीत संगीत के आनंद काहे न ले लिहल जाओ। ताई सुन ली ये मधुर गीत। जय गणेश जय गणेश जय गणेश, जय गणेश जय गणेश जय गणेश, हे मंगल के दाता हरि हमारो कलेश। जय गणेश जय गणेश जय गणेश, हे मंगल के दाता हरि हमारो कलेश। जय गणेश जय गणेश जय गणेश, दयावंत चार भुजधारी हो, हथवा में पुष्प शोभे मूस के सवारी हो। एक दंत दयावंत चार भुजधारी हो, रिद्धि सिद्धि संग में रहे मूस के सवारी हो। कारज तुम्हारी सुनी भक्त के पुकार, कारज तुम्हारी सुनी भक्त के पुकार, हे गौरी के लाल करी की। जय गणेश जय गणेश जय गणेश, हे मंगल के दाता हरि हमारो कलेश। जय गणेश जय गणेश जय गणेश,
हे जग बंदन गजानन गणेशा जी, सिद्ध करे नि सबके कारज हमेशा जी। हे जग बंदन गजानन गणेशा जी, सिद्ध करे नि सबके कारज हमेशा जी। तारंग में गिरल बानी संकट हरी, तारंग में गिरल बानी संकट हरी, का दी उदेश। जय गणेश जय गणेश जय गणेश, हे मंगल के दाता हारी हमरो कलेश। जय गणेश जय गणेश जय गणेश, जय गणेश जय गणेश जय गणेश, हे मंगल के दाता हारी हमरो कलेश। जय गणेश जय गणेश जय गणेश, हे मंगल के दाता हारी हमरो कलेश। जय गणेश जय गणेश जय गणेश, हे मंगल के दाता हारी हमरो कलेश। जय गणेश जय गणेश जय गणेश। फूलों का हार लाया, मोदकों का थार लाया, फूलों का हार लाया, मोदकों का थार लाया। मंडप सजा के बाबा अब तेरे द्वार आया, अब तेरे द्वार आया। माता दयावान हो, प्रथम पूज देवों में महान हो। श्री गणेश दाता दयावान हो, प्रथम पूज देवों में महान हो। रिद्धि सिद्धि संग दर्शन दो, शरणागत को शरण दो। आके करो पुकार, आके करो पुकार, बप्पा तारो तंगना। आओ आओ भावो, आओ आओ भावो, आओ आओ श्री गणेश जी पधारो वंगना। मेरो गणपति गजराज जी, भूल चुक माफ करवाज जी। मेरो गणपति गजराज जी, भूल चुक माफ करवाज जी। विघ्न हरता विघ्ने सारे काटो श्री गणेश जी। तेरी कृपा के रंग जैसा कोई रंग ना। आओ बाबू बाबू, आओ बाबू बाबू, आओ बाबू।
हार लाया, फूलों का हार लाया, मोदकों का थार लाया, मंडप सजा के बाबा अब तेरे द्वार आया, अब तेरे द्वार आया माता मधुर गीत संगीत के आनंद में सभी देवगण डूब गए। समस्त सृष्टि ए आनंद उत्सव के गवाह बनल, महादेव के भी आनंद देखे लायक रहल। और यही आनंद के क्षण में वो माता पार्वती से मिले के प्रण कैले और कैलाश के तरफ चल दिले। महादेव ए विजय के सूचना खुद देवी पार्वती के देवे चाहत रहले और पलक झपकते ही महादेव देवी पार्वती के महल के सामने आ गेले और फिर महल के भीतर जाए लगले तो उनका के एगो पहरेदार रोक देलस। महादेव के बहुत आश्चर्य भइल कि के बा जे हमरा के रोके के हिम्मत कर रहल बा। महादेव के रोके वाला और केहू ना बल्कि गणेश ही रहले। बाकी ना तो ये गणेश जानत रहले कि वो महादेव बानी और ना ही महादेव के अंदाजा रहे कि बालक के बा। और एकरे आगे का भइल ये सब जानल जाए लेकिन एक छोटा सा अल्प विराम के बाद। तब देखत रही प्रभु के द्वारे। प्रभु के द्वारे। अल्प विराम के बाद आप सबके बहुत बहुत स्वागत बा हमने के खास कार्यक्रम प्रभु के द्वारे में। और आज हमने के दर्शन कर रहल बानी इंदौर के बड़े गणपति महाराज जी के। वैसे हमने के अभी देखनी जा कि गणेश जी द्वार पर ही महादेव के रोक देहले। तब महादेव के क्रोध आ गए, उनका के ये बर्दाश्त ना भइल कि केहू उनका के अपना ही महल में जाए से रोक सकेला। तब महादेव आवेश में आकर वो बालक के सर के एगो झटका में धड़ से अलग कर देहले और महल के अंदर प्रवेश कर गए। अंदर जाके जब महादेव ये सारा हाल देवी पार्वती के बतौले तो पार्वती के संभालल कठिन हो गए। अपना बालक के मृत्यु के समाचार वो बर्दाश्त ना कर पाउनी, रो रो के उनकर बुरा हाल हो गए रहे। देवी पार्वती के दुखी देख के महादेव भी दुखी हो गए। बाकी अब वो का कर सकत रहले, अब तो जवन होके के रहल वो हो गए। वो देवी पार्वती के बहुत समझावे के कोशिश कैले, बाकी देवी पार्वती कुछ भी सुने के स्थिति में ना रहनी। तब भोलेनाथ के देवी पार्वती से ये पूछे के पड़ल कि उनकर ई शोक कैसे समाप्त होए। तो देवी पार्वती ये कहनी कि जबले गणेश जी दोबारा ना जीवित हुई तबले वो यही तरह से शोक में डूबल रही हैं। देवी के बात सुन के महादेव जी सोच में पड़ गए, काहे से कि अब वही रूप में गणेश जी के जीवित ना कर सकत रहनी। तब महादेव इस समस्या के एगो समाधान निकलने कि बालक के क्यों औरी के सर लगा दिहल जाओ तो वो बालक जीवित हो सकेला। ये विचार के आते ही महादेव अपना सभी गण के चारों दिशा में दौड़ा दिले। वो ये आदेश दिले कि जे भी जीव उत्तर दिशा की ओर मुंह करके सो रहल हो ओकर सर लाके गणेश जी के सर पर लगा दिहल जाए। कुल गण महादेव जी के आज्ञा सुन के हर दिशा में ऐसन केहू के तलाश करे लगले जे उत्तर दिशा में मुंह करके आराम कर रहल होके। तब एक गण के एगो हाथी के बच्चा नजर आए जे उत्तर की ओर मुंह करके लेटल रहे। गण ओही हाथी के बच्चा के सर लेके आ गेले और गणेश जी के सर पर लगा दहले। गणेश जी नया सर लगते ही उठ के खड़ा हो गेले। माता पार्वती देख के फिर से प्रसन्न हो गईनी और जब माता पार्वती प्रसन्न हो गईनी तो महादेव भी प्रसन्न हो गेले और ये घोषणा कैले कि अब से हर शुभ काम के पहले गणेश जी के ही नाम लिहल जाए। और तब से हर शुभ काम के पहले गणेश जी के नाम लिहल जाए लागल
और अब यही बात पर चले देख लिया जाओ इस सुंदर मधुर गीत। सोना रुसे सोनवा के चौकिया मंगवनी चननी तनवनी उहार हो ताही पर गणपति बिराजिनु हे आई अंगना हमा
बिना हम के सोहाला घीव दही माखन खाली कहेली उ खाएला हमके सोहाला घीव दही माखन खाली कहेली उ खाएला बैठल बाड़ी अरे बैठल बाड़ी हो के नाराज ये बबुआ गणेश हमार पीसत नहीं की भंगिया हमार ये बबुआ गणेश हमार के उतारेला अखिया बा हे अखिया बा दुनु इलाले ये बबुआ गणेश हमार पीसत नहीं की भंगिया हमारे ये बबुआ गणेश हमार भगतन के भीड़ आज देखा कितना बढ़ता राजेंद्र भूपेश हमर कांवर लेके आवता भगतन के भीड़ आज देखा कितना बढ़ता राजेंद्र भूपेश हमर कांवर लेके आवता मन में बा हरे मन में बा भक्तिया पार ये बबुआ गणेश हमार पीसत नहीं की भंगिया हमार ये बबुआ गणेश हमार तब यही के साथ हम आप सब से कहे के चाहब कि हमने के भी अपन माता पिता के हर आज्ञा के पालन करे के चाही जैसे गणेश जी कैले रहलन। यही कामना के साथ हम आपसे लेतनी विदा और कहतनी जय श्री गणेश।